टूजी घोटाले में गृह मंत्री पी चिदम्बरम को मिलेगी राहत या बढ़ जाएगी इनकी आफत, ये सवाल आज फिर सबकी जुबान पर है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत में आज चिदम्बरम को टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले में सह आरोपी बनाए जाने वाली अर्जी पर सुनवाई होगी। चिदम्बरम के खिलाफ ये अर्जी दी है जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने। स्वामी आज खुद चिदम्बरम के खिलाफ अपने सबूतों पर अदालत में दलील पेश करेंगे। अगर स्वामी की दलील मंजूर कर ली जाती है तो चिदम्बरम की मुश्किल बढ़ सकती है। जज ये मेरी तर्क सुनेंगे कि प्राइमा फेसी केस इस डॉक्यूमेंट्स में कहां बनी है, कैसी बनी है। राजा अपराधी है, उसका चार्जेस फ्रेम हुए हैं, उसमें चिदंबरम इसमें कैसे लिप्त है, इसका मैं बहस में बाहर निकाल के दूंगा। स्वामी ने इससे पहले चिदंबरम के खिलाफ अदालत में सबूत के तौर पर 28 दस्तावेज पेश किए हैं, जिनमें से कोर्ट ने तीन को अहम माना है। वो तीन दस्तावेज हैं चिदंबरम के प्रधानमंत्री और ए राजा को लिखी गई चिट्ठियां, 25 मार्च 2011 का वित्त मंत्रालय का लिखा गया नोट जिसमें ये कहा गया था कि अगर तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम चाहते तो टूजी घोटाले को रोका जा सकता है, और चिदंबरम को सचिवों की लिखी गई चिट्ठी जिसमें स्पेक्ट्रम की कीमत का जिक्र किया गया था। सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि टूजी घोटाले के लिए जितने दोषी पूर्व संचार मंत्री ए राजा हैं उतने ही गृह मंत्री पी चिदंबरम भी हैं, लिहाजा उन्हें भी सह आरोपी बनाया जाए। सुब्रमण्यम स्वामी आज अदालत में दलील देकर ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि पिछली सुनवाई के दौरान उन्होंने जिन 28 दस्तावेजों को अदालत के सामने रखा वो ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि 2G स्पेक्ट्रम आवंटन के दौरान राजा और चिदंबरम के बीच लगातार बैठकें हो रही थीं और चिदंबरम ने राजा को कई मौक़ों पर सलाह भी दी। ऐसे में अगर सीबीआई ने इस मामले में राजा को मुख्य आरोपी बनाया है तो फिर चिदंबरम को सह आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। 7 जनवरी को सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने 2 गवाहों को भी अदालत में बुलाने की मांग की थी, लेकिन सारे दस्तावेजों को देखने के बाद अदालत ने कहा था कि इस वक्त गवाहों को बुलाने की जरूरत नहीं है और स्वामी अपने पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर अपना केस आगे बढ़ा सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी अगर अपनी दलीलों में ये साबित कर देते हैं कि राजा और चिदंबरम के बीच इस मामले में लगातार बैठकें हो रही थी और चिदंबरम की मंजूरी के बाद ही राजा ने कोई भी कदम उठाया था, तो ऐसे में चिदंबरम की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ भी सकती हैं क्योंकि वो बन सकते हैं 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में अगले आरोपी।